सो हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन वैल्यूज़ के बारे में, कोर इंडियन वैल्यूज़ के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये ह्यूमन राइट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा, मेरी इफ़र्ट पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन कल्चर होता क्या है। देखिए, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और हम लोग मतलब जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन किस तरीके से आंसर फॉर्म करना है, किस तरीके से थोड़ा नॉलेज लेना है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के हेल्प से बता देती हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से आंसर्स फॉर्म करके आएंगे। सो इंडियन कल्चर इज़ बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर दी एल्डर्स, फैमिली यूनिटी, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी मम्मा ने बचपन से आप लोगों को सिखाया होगा। मम्मा ने नहीं तो मतलब घर के जो भी बड़े हैं वो आपको ज़रूर इस चीज़ को लेकर के सिखाए होंगे। सो देखिए, इंडियन कल्चर जो है ना हमारा, वो बड़ों को रिस्पेक्ट देना, फैमिली जब जो हमारी है वो सब साथ रहते हैं, ऑनेस्टी यानी कि सच बोलना, ईमानदार रहना और फुल डेडिकेशन से अपने काम को करना, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर स्कूल स्टूडेंट हो, तो हम लोग अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से करते हैं, ठीक है। सो हमारी जो फैमिली यूनिटी की यहाँ पे बात हो रही है, मैं उसके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे फैमिली यूनिटी, आप सभी लोगों ने देखा होगा बचपन से कि आपके घर में आपके दादाजी, आपकी दादी मैया, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके जो भी भाई बहन हैं या अगर आपके चाचा चाची हैं तो वो सभी लोग एक साथ में रहते हैं। तो हमारे इंडियन कल्चर का ये चीज़ है कि फैमिली यूनिटी, और अगर हमारे परिवार में अगर हमारे पापा का पोस्टिंग कहीं दूर जगह है तो फिर भी हमारे जो दादा दादी हैं उनके साथ हम लोग जुड़े हुए होते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में वही चीज़ अगर आप जा कर के देखेंगे ना, तो हमारे जो वहाँ के जो बच्चे जो होते हैं वो लोग उतना कनेक्टेड नहीं होते हैं पेरेंट्स के साथ, और उनके पेरेंट्स भी वो अपने पेरेंट्स के साथ यानी कि बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उतना कनेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन हमारे भारत में ये चीज़ होता है और ये चीज़ हम लोगों को एक स्पेशल बनाता है, ठीक है। फिर बात आती है हमारी कि हमारे भारत में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज किया जाता है। इंडियन वैल्यूज़ आल्सो एम्फसाइज एजुकेशन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है कि हमारे जो पेरेंट्स जो हैं वो भी बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए पूरी लगन से काम करते हैं और एक अच्छे से अच्छे स्कूल्स भेजते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजते हैं, और बच्चे भी अपना पूरा डेडिकेशन के साथ मार्क्स लाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हमारे भारत देश में हमको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे आप क्रिकेट के फील्ड में देखो, चाहे आप किसी फील्ड में जाकर के देखो, प्राइवेट फील्ड हो गया, गवर्नमेंट फील्ड हो गया। कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, कि आपदा को अवसर में बदलना है। सो वही चीज़ है, हमको अवसर मिलता है और हम लोग उस अवसर का फ़ायदा भी उठाते हैं। And its citizens are known for their entrepreneurship spirit. The religious and cultural values of India provide a rich tapestry for the country citizens to enjoy. ठीक है? These values help to make India a unique and special place in the world. तो ये सारी जो qualities जो है ये हमारे भारत देश को एक special और एक सबसे अनोखा जगह बनाती है। लोग दूर दूर से, विदेशी लोग हमारे भारत देश में आते हैं, यहाँ के cultures के लिए काफ़ी ज़्यादा influenced हो जाते हैं, spices को लेकर के ये हो जाते हैं influenced, परिवार को देखते हैं कि सब साथ साथ रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, तो वो लोग आ करके इन सभी चीज़ों को देखते हैं और उनको काफी खुशी महसूस होती है। सो सम ऑफ दीज कल्चरल वैल्यूज इंक्लूड, फर्स्ट इज द फैमिली। सो फैमिली इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी इन इंडिया एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज आर कॉमन। देखिए, परिवार लोग जो हैं सब साथ में रहते हैं भारत देश में, है ना। मम्मी पापा के साथ हम रहते हैं, पापा मम्मी जो हैं दादा दादी के साथ रहते हैं। तो ये कहने का मतलब हुआ कि हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब लोग साथ साथ रहते हैं। अगर किसी कारणवश आपके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपके जो दादा दादी हैं वो गांव में रहते हैं और आपके मम्मी पापा के साथ आप एक सिटी में रहते हो, फिर भी जब भी कोई फेस्टिवल आता है, होली, दिवाली, दशहरा, तो आप अपने गाँव जाते हैं, है ना।
So the bond between family member is strong and elders are often respected and valued for their wisdom and experience. बाहर के देशों में अगर आप जाकर के देखेंगे ना तो उतना elders का respect नहीं होता है. No, बिल्कुल भी नहीं होता है. बट अगर आपके भारत देश में, तो हम लोग रोड पर चलते हुए आदमी को भी, मतलब बूढ़ा रहेगा तो उसको बोल देंगे क्या चाचा जी, ठीक है ना. कोई बूढ़ी लेडी रहेंगे तो फिर बोल देंगे दादी जी, ठीक है ना. हम लोग इस तरीके से बोलेंगे. तो एक चाचा, एक दादी, ऐसे अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो एक रेस्पेक्ट देना हुआ, उनकी मदद करते हैं हम लोग, है ना. फिर बात आती है रेस्पेक्ट फॉर दी एल्डर्स के बारे में, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे. सो ओल्डर पीपल आर हेल्ड इन हाई स्टीम इन इंडियन सोसाइटी एंड ऑफन सीन अ सोर्स ऑफ गाइडेंस एंड द विजडम. यंगर पीपल आर एक्सपेक्टेड टू शो रेस्पेक्ट फॉर देयर एल्डर्स, इंक्लूडिंग ऑफरिंग देम अ सीट एंड यूजिंग अ पोलाइट लैंग्वेज. यानी कि कभी भी हम किसी बड़े इंसान को, बड़े लोगों के सामने गलत लैंग्वेज का उपयोग नहीं करते हैं, या कभी हम किसी बड़े व्यक्ति के सामने, अपने से जो भी हमारे बड़े भैया हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, दादा दादी हैं, तो उनके सामने कभी भी हम लोग एकदम हाई पिच में चिल्ला करके नहीं बोलते हैं. क्योंकि हमारे भारत का ये संस्कार है कि लोगों के सामने इज्जत से पेश आना, और सबसे जो बड़े होते हैं घर में उनकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है. और फिर बात आती है कि हम कभी बस में अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हमसे कोई, मतलब सीनियर सिटीजन है, वो बस में खड़ा है, तो उसको हम लोग सीट दे देंगे, खुद उठ खड़े रह लेंगे. हम खड़े रह सकते हैं क्योंकि हम लोग यंग पीपल हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनको दिक्कत आ सकती है, तो उनको हम लोग सीट देंगे कि वो लोग बैठ सके. फिर बात आती है स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन के बारे में. तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये 5 धर्म बेसिकली हैं जो कि इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है. सो इंडिया में बहुत सारे धर्म होते हैं और इन धर्मों का अलग अलग एक कल्चर होता है. सो इन सारे कल्चर्स को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को याद ही रहेगा. फिर बात आती है कि हॉस्पिटैलिटी के बारे में. तो हॉस्पिटैलिटी होता है कि इट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ट्रेडिशन इन इंडिया एंड गेस्ट आर ऑफन ट्रीटेड एज ऑनर. अगर हमारे कोई घर में आता है तो उसको हम लोग ये नहीं बोलते अरे भैया क्यों आ रहे हो, निकलो मेरे घर से, ऐसे हम लोग नहीं बोलते. हम लोग उसका स्वागत करते हैं, ठीक है. हम लोग उसका स्वागत करते हैं, बकायदा उनको पानी देते हैं, चाय पूछते हैं, है ना. किसी के घर में भी होता है, आपके घर में भी होता होगा. तो इंडिया में हम लोग ये चीज़ मानते हैं अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि, यानी कि जो भी गेस्ट है वो हमारे लिए भगवान की तरह है. सो हम लोग उनको रेस्पेक्ट से पेश आते हैं. फिर बात आती है हमारी एजुकेशन के बारे में. तो एजुकेशन इज़ हाईली वैल्यूड इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी, एंड पेरेंट्स ऑफन मेक ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर इंश्योर दैट चिल्ड्रेन रिसीव अ गुड एजुकेशन. यानी कि हमारे जो भारत है उसमें हमारे पेरेंट्स पूरा डेडिकेशन से पैसा अर्न करते हैं ताकि एक अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल्स में भेजें, अच्छे से अच्छे कोचिंग में भेजें, ट्यूशन में लगाएं, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में भेजें. यू नो व्हाट डू आई मीन. तो इस तरीके से पेरेंट्स मेहनत करते हैं, बच्चे भी अच्छा करते हैं. यार आप लोग भी बहुत अच्छा करते हो, आप लोग भी एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से आंसर लिखते हो, भले जो होता है आप लोगों का, उसके अलावा जो भी आप लोग अच्छे से आंसर लिखते हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के इस वीडियो में इतना ही. हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस किया है और होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, वंदे मातरम.